रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला के बटसर में सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा छात्रों को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाया है, जिसमें मेडिकल नॉर्मल आया है। SP अजित सेन ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस गहनता से छानबीन में जुट गई है और पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल की मोबाइल और गाड़ी को जब्त कर लिया है। मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल करने में जुटी है और छानबीन पूरी होने के बाद ही बाकी बातों का खुलासा किया जा सकेगा। हमीरपुर जिला के बटसर में सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के द्वारा छात्रा को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाया है, जिसमें मेडिकल नॉर्मल आया है। SP अजित सेन ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस गहनता से छानबीन में जुट गई है और पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल का मोबाइल और गाड़ी को जब्त कर लिया है। मोबाइल को फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल करने में जुटी है और छानबीन पूरी होने के बाद ही बाकी बातों का खुलासा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि आरोपी प्रिंसिपल 2 जून तक पुलिस रिमांड पर है और पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह से पड़ताल में जुटी हुई है। SP अजित सेन ने बताया कि पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ धारा 354 IT एक्ट एंट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन को भी जांच के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर छात्रा गर्भवती होने की बात फैलाई जा रही है, जो गलत है। बटसर पुलिस थाने में केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें हमने मामला दर्ज किया है पॉक्सो एक्ट 354A IT एक्ट और शुरू का शेड्यूल ड्राइव प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसकी इन्वेस्टिगेशन DSP SDPO बटसर कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने जो कार्रवाई की है उसके मुताबिक मेडिकल हो चुका है विक्टिम का और साथ ही हमने जो मोबाइल फ़ोन इत्यादि हैं वो भी फॉरेंसिक टीम की जांच के लिए कब्जे में ले लिए हैं और भेज दिया है। उसके अलावा एक गाड़ी भी इस क्राइम में इन्वॉल्व होना पाया जा रहा है, उसको भी हमने कब्जे में ले लिया है और इसकी तफ्तीश जारी है। मीनवाइल मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कुछ तरह की अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो जो फैक्ट्स हमारे नॉलेज में आएंगे वो हम इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से कि वह बेबुनियाद अफवाहों पर विश्वास ना करें और हमारी तफ्तीश जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें सच झूठ की क्लैरिटी हो जाएगी।